गाइस, वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स में पूजा राव। आज आप लोग के लिए लेके आ गई हूँ कंट्रोवर्सी फैमिली की। कंट्रोवर्सी तो होती ही रहती है, आए दिन उनके फैमिली में कंट्रोवर्सी होती है। अभी सचिन का तबीयत भी खराब हो गया है, अंशु यहाँ आके क्यों बैठी है, उसके देवर का खाना कौन बना रहा है, ये सारी बात मैं आप लोगों के साथ वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। अंशु जानबूझ के बच्ची बनने का नाटक क्यों कर रही है, उसके साथ ही साथ गाइस मैंने सोचा आज अपने बारे में कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं गाइस, मैं घर के सारे काम करके सुबह सुबह आ गई हूँ सब्जी मंडी, क्योंकि मुझे यहाँ से लेना था सब्जी और फ्रूट्स, क्योंकि घर पे फ्रूट्स वगैरह सब्जी तो लगते ही हैं। तो मैं ले आ गई हूँ मार्केट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अभी ना गाइस फ्रूट की दाम बहुत ही ज़्यादा हुआ है, और जो लोग भी गाइस मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनको मैं बता दूँ, मेरे हस्बैंड का गाइस एक्सीडेंट हो चुका है, तो मैं अकेले ही घर के सारे काम, बेटे को देखना, ऑफिस का जॉब, ब्यूटी पार्लर, सब कुछ मैं अकेले कैसे मैनेज करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग में ना यही देखने को मिल जाएगा। मेरा ब्लॉग उन लोगों के लिए मोटिवेशनल होगा जो लोग ना काम नहीं कर पाते या थक जाती हैं, सोचती हैं कैसे करें नहीं करें। तो आप मेरे ब्लॉग के थ्रू ना ये जान पाएंगे कि एक अकेले लड़की अकेले मतलब सब कुछ कैसे मैनेज करती है, घर, ऑफिस, मतलब मैं बिजनेस वूमेन हूँ गाइस, ऐसा नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, सब कुछ आपको मेरे ब्लॉग में ही देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ यूट्यूब को मैनेज करना, तो यहाँ देख सकते हैं मैंने ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन फ्रूट्स, मतलब कलर फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल, और साथ में ना आलू प्याज यहाँ से ले लिया है। और उसके बाद से ना मैं लग गई हूँ, चली गई अंदर मार्केट में। यहाँ पे ना गाइस बुक और जो प्रिंस को देख सकते हैं पीछे में है, उसका ना कॉपी वगैरह लेना है, क्योंकि उसका एक एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है ना, तो न्यू एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो न्यू कॉपी वगैरह लगेगा। तो मैं कॉपी और मेडिसिन वगैरह सब कुछ लेके आ गई हूँ घर, आप मेरा घर देख सकते हैं। सुबह में ही गाइस मैं क्लीन करके ही मार्केट गई थी, क्योंकि ना नहा लो तो अच्छा लगता है, फ्रेश होने के बाद ही मैं मार्केट निकलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप लोग कैसे जाते हैं मार्केट, कभी कभी मैं बिना नहाए भी चली जाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा धूपकाठी अब पूरा लास्ट बचा हुआ है, क्योंकि मैंने सुबह में ही पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया था, उसके बाद से सब्जी मंडी गई थी। और अब मुझे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कपड़े क्लीन करके एक बाल्टी रखा हुआ है, उसको मैं धूप में डालूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बनाती हूँ नाश्ता, क्योंकि मुझे लगा है भूख। तो चलिए देखिए मैं नाश्ते में क्या बना रही हूँ, जल्दी जल्दी से क्या बनाकर आप लोग, कब ड्यूटी जाऊँगी, कब ऑफिस जाऊँगी, कहाँ जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, हर एक चीज गाइस मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करने वाली हूँ आज। और आज ना मैं बस नॉर्मल से ऐसे पराठे बना ले रही हूँ गोल गोल करके, उसमें घी, देसी घी लगा के, और साथ में ना आलू सोयाबीन की सब्जी बना लूंगी, मेरे फैमिली मेंबर को सबको ही पसंद है पराठे के साथ, तो सब लोग खा लेंगे। और उसके ही साथ गाइस मैं बोल देना चाहती हूँ, देखिए जो जो लोग भी ना अंशु को बोल रहे हैं ना कि वो अच्छी है, उसके बारे में वीडियो मत बनाइए, वो अच्छी है, ऐसी है, मैंने कभी ये नहीं बोला है कि बुरी है, वो अच्छी नहीं है, लेकिन ना वो बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि कैसे लोगों को ना अपने तरफ ना दुखड़े रो के ना कैसे क्या करके ना सबको अपने तरफ करना है। और साथ ही साथ ना गाइस रही मनीषा और सचिन की बातें, तो मैं बात करती हूँ, पहले देख लीजिए मेरा नाश्ता कितना टेस्टी ना नाश्ता बन गया है, मैं यहाँ पे ना खाने जा रही हूँ, और ना बहुत जोड़ों की भूख लगी थी तो नाश्ता वगैरह मैंने सबको दे दिया, खुद भी खा लिया। उसके बाद से मैं लग गई हूँ किचन के काम में ना, आज चावल दाल सब्जी बनाएंगे। इस सब्जी का नाम ना आप जरूर बताइएगा मुझे कि आपके यहाँ इसको क्या सब्जी बोलते हैं, मतलब एक ग्रीन जो वेजिटेबल है इसका नाम क्या है। तो यहाँ पे मैं लग जाऊंगी सारे कामों में। और जो लोग भी बोल रहे हैं ना कि मनीषा ने मुझे पैसे दिए हैं, तो अगर आपको भी पैसे चाहिए ना सचिन राज परिवार से, जो अपने माँ बाप को नहीं हेल्प करती है, वो क्या आपको लगता है कि आपको पैसे दे देगी, अगर आपको भी चाहिए तो स्कैनर भेज दीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने सब्जी कट कर लिया है, आज मैं बना रही हूँ चावल दाल, और इसको बोलते हैं गाइस कुमड़ा है, और ये जो है गाइस इसका नाम क्या है, पोई साग है, इसकी सब्जी, और करेला को ना भर के जो बनाते हैं करेला का स्टफिंग करके बनाऊंगी, और साथ में दाल चावल। तो आज है मेरा दोपहर का यही मेनू है, शाम का चीज़ शाम को देखेंगे। तो जल्दी जल्दी खाना भी बनाना है, बहुत सारे काम है, उसके बाद से आप लोग के लिए वीडियो भी शूट करना है, तो सब कुछ करना ना गाइस कितना आसान होता है, कैसे जो लोग बोलते हैं ना दूसरे घर में झांकना ताकना नहीं, मैं इतना टाइम नहीं होता है गाइस कि कभी मैं किसी की ना बात भी सुनने सकूं, क्योंकि अपना काम ना करने में मैं बिजी रहती हूं, मुझे किसी और से मतलब नहीं होता है। यहां पे आप देख सकते हैं मैंने चावल और सब्जी एक साथ इसलिए चढ़ाया है, क्योंकि ये चावल और सब्जी ना सब्जी में मसाले वगैरह डालने हैं तो मुझे वहीं रहना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना इसको छमकना बहुत आसान है, बस सूखी मिर्च, प्याज और मेथी से ना इसको तड़का दे दीजिए, और कुछ नहीं करना है, बस आपकी सब्जी रेडी हो जाएगी, और हल्दी और नमक बस।
ये सब्जी ना बनती रहेगी। और इसके पास मैं क्या करूँगी ना, दाल और करेला, करेला को पहले मैं बॉईल करके बनाती हूँ, तो करेला बॉईल होने के लिए और दाल दोनों एक साथ रख दूँगी। तो मैं क्या करूँगी, दूसरे कुछ ना बर्तन वगैरह धोते रहूँगी तो दोनों एक संग में हो जाएगा, इसलिए पहले मैंने सब्जी चढ़ाया है और कुछ नहीं। तो चलिए, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए होंगे ना, प्लीज़ मेरे हस्बैंड को एक ब्लेसिंग दे के जाइएगा। हो सकता है कि आपकी वजह से, आपकी ब्लेसिंग की वजह से ना मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए, क्योंकि मैंने सुना है दुआओं में ना बहुत असर होती है। तो प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड के लिए एक ब्लेसिंग दे के जाइएगा कि मेरे हस्बैंड जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट कैसे हुआ, मेरे हस्बैंड किस पोस्ट पे थे, क्या जॉब करते थे, कैसे क्या हो गया, हमारा घर खर्च कैसे चलता है, अगर आपको हमारे बारे में कुछ भी जानना है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। सब कुछ आपको मेरे चैनल में ना, मेरे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्दी नमक डाल के मैं ढक दी थी और मेरा सब्जी रेडी हो चुका है। तो चलिए अब बनाते हैं करेला और दाल। तो ऐसे ही ना टेस्टी टेस्टी सब्जी, टेस्टी टेस्टी वीडियो हो और सबके बारे में थोड़ा बहुत ना रिएक्शन देखने के लिए मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से गाइस, आप सबको पता ही है मेरा तबीयत थोड़ा सा ना ढीला चल रहा है, तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैं ना अभी बनाऊँगी। जब तक सब्जी हो रहा था ये तभी का वीडियो है गाइस। मैं ना यहाँ पर थोड़ा सा जूस वगैरह, क्योंकि मैं फ्रूट्स खा नहीं पाती हूँ, तो जो मैं फ्रूट लेकर आई हूँ ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं अनार, थोड़ा सा अदरक, फिर एप्पल और बीट रूट, इसको मैंने कट कर लिया है और इसको मिक्सी जार में डाल के इसको ना पीस लूँगी। ऐसे मेरे पास मिक्स फ्रूट जूसर है गाइस, लेकिन ना उसको बनाने के बाद से ना उसको क्लीन करना बड़ा झमेला लगता है, तो मैंने एक दुपट्टा कट करके रख लिया है। बस इस सब चीज़ को ना एक साथ मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी और बस 2 मिनट नहीं लगता है और आपका जूस ना टेस्टी टेस्टी जूस निकल के रेडी रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आसान होता है, ये देख लीजिए, बहुत आसानी से आपका जूस ना तैयार हो जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब सारे फेस्टिवल आने वाले हैं ना, तो आपको बहुत ही मस्त मस्त और अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेगा, इतना तो मैं कह सकती हूँ। उसके बाद अगर इसमें आ गई हूँ ना, इवनिंग का ब्लॉग है, दोपहर को आपके लिए वीडियो शूट किया, खाना खाया वगैरह, बहुत सारा शाम को काम किए, बहुत सारा सब कुछ हो गया है, फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर देख सकते हैं इवनिंग में ना। ये सारे आप लोगों ने देखा होगा, कल ये जो साड़ी रखा हुआ है आज मैंने दोपहर को पहन के वीडियो बनाया है। तो अगर मैं ऐसे ही साड़ी को रख दूंगी ना, और जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो कुछ खाती पीती नहीं हूँ, तो ये साड़ी जूठा नहीं होता है, तो मैं जस्ट ऐसे खोल के ही रख दे रही हूँ। क्योंकि ना अगर बार बार साड़ी 5 मिनट के लिए अगर साड़ी पहने हैं, 10 मिनट के लिए उसको धोते रहना तो हो जाएगा। और ये वाला साड़ी शायद मैं आज पहन कर वीडियो बनाऊँ, तो इसके लिए ना ये सारे साड़ी मैं ऊपर ही रख रही हूँ। यहाँ पर जो पीला रंग का साड़ी दिख रहा है आपको, आपने देखा ही होगा कि मैंने कल के ब्लॉग में पहना था। तो और हाँ, एक चीज़ बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि दीदी आपका साड़ी बहुत अच्छा लग रहा है, आपका साड़ी बहुत अच्छा लग रहा है। मिनी जी ने कमेंट्स किया है और भी कोई स्टार, उनका नाम नहीं पता मुझे, उन्होंने कमेंट्स किया है, बहुत लोगों ने किया है। जिन लोगों ने भी किया है उनको तहे दिल से मेरा थैंक यू है कि आप लोग को मेरा साड़ी भी अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातें आप नोटिस करते हैं। और किसी ने मुझे ये भी बोला था कि दीदी आपके पास आप पीला साड़ी बहुत पहनती हो, थोड़ा कलरफुल साड़ी पहनो, दीदी आप पिंक पहनो, साड़ी आप पे अच्छा लगेगा। तो मैं पिंक साड़ी पे वीडियो बना चुकी हूँ। थैंक यू आप लोगों के लिए, आप इतनी छोटी छोटी बातें ना नोटिस करते हैं और हम लोगों के साथ ना शेयर करते हैं, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, मैं आ गई हूँ, सारे बेडशीट को ना एक जगह कलेक्ट करके रख रही हूँ। और मैं जहाँ रहती हूँ ना कहीं, यहाँ 3-4 दिन से ना कंटिन्यू बारिश हो रहा है, तो सारे कपड़े में ना सीलन टाइप की जो होती है ना, जिप्सा वैसा हो जाता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और बारिश से ना जो कपड़े में स्मेल आ जाती है वो भी मुझे पसंद नहीं है। उस बेडशीट के साथ यही हुआ है, तो इसको ना मैं चेयर पे डाल के रात भर ना ऐसे रहने दूंगी, सुबह उठा लूंगी ताकि पंखे के हवा से ना जो भी इसके स्मेल वगैरह है थोड़ा सा कम हो जाएगा। और सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे बेडशीट को ना मैं सही करके रख रही हूँ, और जो सिर्फ तकिया का कवर है ना गाइस, उसको मैं अलग करके रख लूंगी, क्योंकि कुछ तकिया के कवर ऐसे होते हैं ना जो एक्स्ट्रा मैं लेके आती हूँ, कोई गेस्ट वगैरह आ गए तो, या फिर कभी कुछ मतलब मैचिंग वाला खराब हो गया तो। तो इस सारे चीज को ना मैं तह लगा कर 1 बाय 1 करके रख लेती हूँ। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद ये सारे काम हो गए हैं, मैं चली जाऊंगी किचन में। इतने काम होते हैं ना हाउस वाइफ के पास गाइस, अगर हम लोग ढंग से करें ना तो पूरा दिन खत्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता है कि मतलब कहाँ गया। और मेरा काम ना आप लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि आप सबको पता है मैं एक वर्किंग वूमेन भी हूँ, साथ में मतलब घर का काम, आप लोग के लिए यूट्यूब का वीडियो, और मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, तो सब्जी मंडी से लेकर मार्केट, बेटे का स्कूल छोड़ना, उसको स्कूल से लेके आना, उसको खाना
खाना खिलाना, हस्बैंड जी का देखभाल करना, ये सारे काम ना मुझे पड़ जाते हैं, तो मेरा काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और आप लोगों ने देखा ही है मेरे घर में खाना जो काम करने वाली दीदी हैं वो मन की मौजी हैं, और मैं भी ना उनको रखी हूँ इसलिए क्योंकि कभी कभी मेरा हेल्थ ना ख़राब हो जाता है तब वो इमरजेंसी में काम ज़्यादा करती हैं। अगर मैं उनको छुड़ा दूंगी ना तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो कोई मिलेगा नहीं, इसलिए मैं उनको रखी हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा काम ना मैं खुद करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अगर आपको हेल्दी एंड फिट रहना है, अगर आपको स्वस्थ रहना है, तो अपने काम आपको अपने ही करने पड़ेंगे, जिससे आपका शरीर भी फिट रहेगा और आपका मन भी हेल्दी रहेगा और आप एक्टिव भी हो पाएंगे। थोड़ा दिन भी मैं कुछ नहीं करती हूँ ना, दीदी आप आती हैं आप देखेंगे ना, आज आई थी वो चाय पी के चली गई, उन्होंने मुझसे पूछा कि बर्तन क्लीन कर दूँ मैं बोली नहीं आप रहने दीजिए मैं कर लूँगी। और उन लोगों का ना बर्तन क्लीनिंग मुझे पसंद भी नहीं आती है, ये भी मेरी एक थोड़ी सी ना बीमारी है मेरे अंदर, तो मैं खुद का काम खुद ही करना पसंद करती हूँ। और आप देख सकते हैं मेरा किचन भी थोड़ा बहुत गंदा हो गया है क्योंकि आजकल मेरा हेल्थ इशू चल रहा था जिसकी वजह से ना, लेकिन मैं फिर भी सब मैं ना आस्ते आस्ते भी करके सब कुछ क्लीन कर लूँगी और उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ना हर एक हाउसवाइफ ना बहुत अपने आप में ना सबसे स्ट्रांग, अगर कोई है ना सबसे बड़ा कोई काम है तो वो हाउसवाइफ का काम होता है, घर से लेकर फाइनेंस तक कि हमें कितना बचत करना है, कैसे बचत करना है, ये सारे चीज़ ना हम हाउसवाइफ ही जानती हैं और हाउसवाइफ ही कर सकती हैं। तो हर एक हाउसवाइफ को ना सबसे पहले बचत करना आना चाहिए। गाइस आप महीने का ना 100 रुपया कमा रहे हो लेकिन एक रुपया भी नहीं बचा पा रहे हो तो आप ना समझो गरीब हो। अगर कोई महीने का 10 रुपया कमा रहा है और महीने का 1 रुपया बचा ले रहा है ना तो समझो वो आपसे अमीर है। तो ये चीज़ ना आपको समझना पड़ेगा, हर एक हाउसवाइफ को ना कैलकुलेशन करना चाहिए, जोड़ घटाव करना चाहिए कि मुझे कहाँ कितना खर्चा करना है, कैसे करना है। ये ना हमें फाइनेंस का नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है, हर एक हाउसवाइफ को ना मुझे लगता है कि फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको बजट करने सीखना है, कैसे सब कुछ हम लोग मैनेज कर सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर ना कि एक हाउसवाइफ कैसे घर को मैनेज करके चला सकती है, कैसे अपने घर को ना सही कर सकती है, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक।